देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी एवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रवेश प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, पितर करते से पिता के किए हुए अनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए अनस्य माने पाप के अनस्य कहो, अनस्य का अर्थ पाप कहो, अनस्य माने अपराध कहो, अनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है, अनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब अनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ना लिखा, जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा का की व्याख्या की है, विवरण दिया है, उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर, यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस ये जैसी बात है।